पीड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। बात कभी कभी दिल पे लग जाती है तो याद आता है वो कविता कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम लोग बड़े लिमिटेशन में जीते हैं जो अधिकारी टाइप के लोग होते हैं, या आप भी होते होंगे। बहुत से लोग पत्नी के लिमिटेशन में जीते हैं, तो पत्नी के लिमिटेशन में जिएगा तो कविता कहाँ से आएगी। तो कभी लिखी गई वो कविता कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे, कनक कनक तीनियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटकटोरी कनक कटोरी की मैदा से। उस स्वतंत्रता को खोजते हुए आज हम इस मंच पे इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस अच्छे से कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। और आइए इसके पहले कि मैं अपने अगले कवि को बुलाऊं, जो लोग सम्मानित हुए हैं उनकी तरफ से एक छोटा सा वक्तव्य, एक छोटी सी भावना मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सामने बड़ा अच्छा स्वर बैठा है, बड़ा अच्छी आवाज बैठी हुई है, जिनका नाम है आत्म प्रकाश जी। तो मैं चाहूंगा कि 2 से 3-4 मिनट में आप आए सर और हम सबकी भावना व्यक्त करें। आत्म दूरदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी टहल वाली? अरे वो जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री पवन गगवार जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेंद्र भीष्म जी, सभा में उपस्थित कविगण श्री सतीश मधुप, श्री राजकुमार भरत, सुनहरी लाल तुरंत, सिराज मंजर काकोरवी, श्री समीर शेख, विपिन शर्मा और सामने बैठे अनेक कविगण, श्री राम किशोर तिवारी जी, कमलेश मौर्य मृदु जी, सुभाष रसिया जी, जितेंद्र मिश्र जी। मित्रों, ये जो आयोजन है ये अद्भुत आयोजन है और आप सब कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत पहले बचपन में भृगु संहिता नाम की एक रचना कहूँ या क्या कहूँ, एक संहिता है जिसके आधार पर सनातन धर्म में कुंडली बनवाने की प्रक्रिया है। मैं बहुत छोटा था तो मेरी कुंडली बनवाई गई प्रतापगढ़ की भृगु संहिता से, कहीं से बनवाई गई। बड़े होकर मैंने उसको पढ़ा तो बाकी बातें मिलती हों या न मिलती हों, लेकिन मुझे एक बात उसमें ऐसी मिली जो मेरे जीवन में सटीक उतरी। मित्रों, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन भृगु संहिता में लिखा था कि मैं कवि कुल का मित्र हूं। और कवि कुल का मित्र क्या होता है ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। दूरदर्शन में वंस मोर के माध्यम से 5 सीजन्स के माध्यम से 1000 से अधिक कवि और शायर उस कार्यक्रम में आए, तो मुझे लगा कि सचमुच मैं कवि कुल का मित्र हूं। तो अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, मगर बोले तो केवल हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। हमारे बीच तमाम अनेक शायर और कवि विद्यमान हैं। मित्रों, माता और पिता की स्मृति में ये कार्यक्रम है, उससे मधुर स्मृति भला क्या हो सकती है। माँ का रिश्ता और हमारा रिश्ता अन्य सभी रिश्तों से 9 महीने ज्यादा लंबा होता है, गंभीर होता है, और वो उस रिश्ते के बारे में क्या कहा जाए उसे केवल हम समझ सकते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है उस पर, आप सबने भी लिखा है, तो माँ को प्रणाम। और पिता के बारे में मैं आते समय मैं देख रहा था, मुझे एक बड़ी अच्छी सी कविता मिली, छोटी सी मैं आप तक पहुंचाता हूं कि पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मुझे पता है कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के फौरन बाद भोजन का भी इंतजाम है, और अखिलेश जी ने कहा है कि डॉक्टर्स का कहना है कि 8 बजे तक भोजन कर लिया जाए। तो मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अन्य कवियों को आप सब सुने। दरअसल मैं कवि और शायर नहीं हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में मैंने अभी कुछ 2-3 कुछ तुकबंदी की, मैंने सरला जी को सुनाई थी। मैं छोटी सी उसकी पूर्व पीठिका यह है कि मैं गोमती नगर में जहां रहता हूं रोज टहलने जाता हूं। लगभग 15-20 साल हो गए, वहां एक लोहिया पार्क है, वहां जाता हूं। मेरे एक दोस्त को मैं लेकर करीब 10-15 सालों तक गया,
उन दोस्त ने मकान बदल लिया, तो मैं उनको अपनी कार में लेकर 10-15 सालों तक गया, है ना अखिलेश जी। तो जब उनकी बारी आई, तब तक वो रिटायर हो गए, तो मुझसे बोले कि भाई ऐसा है कि अब मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं रहा, लिहाजा आप अपने आप जाइए और मैं यहीं पास में ही कहीं टहल लूंगा जब भी नींद खुलेगी। तो मैं बहुत दुखी और निराश हुआ। मैंने 15 साल का पेट्रोल का कीमत जोड़ी। मैंने उनसे कहा यार आप पर मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, अब समय आया है आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन उन्होंने नकारा, बोले नहीं आप अपने आप टहलो। तो मेरे मन में एक दिन कुछ ख्याल आया कि यहाँ टहलो वहां टहलो कहीं टहलो मगर टहलो। मैंने उनसे कहा, उनको मैंने फिर ये भेंट की गजल अपनी, मतलब गजल क्या कहें जो भी कहें तुकबंदी है कि यहाँ टहलो वहां टहलो कहीं टहलो मगर टहलो, जो जीना है तुम्हें, जो जीना है तुम्हें सुख से तो फिर बिंदास तुम टहलो। हमें याद वो सुबह। अच्छा, दोनों में इतना अच्छा कनेक्शन था कि मान लो सुबह 5:30 में मिलना है, फोन कोई करे और रात में पार्टी हो गई, देर से कहीं आप किसी जगह चले गए, तो अगर किसी को नहीं जाना है तो वो मैसेज भेजता था छुट्टी, ताकि दूसरा उसको फोन न करे। तो हमें है याद वो सुबह कि मैसेज देखते थे हम कि छुट्टी आ गई है, या उठो तैयार हो टहलो, यहाँ टहलो वहां टहलो कहीं टहलो मगर टहलो, जो जीना है तुम्हें सुख से तो फिर बिंदास तुम टहलो। उसके बाद दो लाइनें और थी, मुझे स्मरण नहीं आ रही है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।